भगवान को तो हर कोई मानता है, पर अंधविश्वास कितने लोग मानते हैं। आज हम आपको आपके फेवरेट सितारों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बाद आपको पता लगेगा कि कोई इंसान इतना सफल होके भी अंधवासी हो सकता है क्या। हम आज आपको बताएंगे कि आपके फेवरेट सितारे अंधविश्वास में कितने डूबे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। तो चलिए एक एक करके आपके सितारों के बारे में हम बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। आपको बता दें कि उन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन के बारे में जो अंधविश्वास है वो आपको बता देता हूँ। अमिताभ बच्चन जो है भारतीय क्रिकेट टीम का लाइव मैच कभी नहीं देखते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो लाइव मैच देखते क्रिकेट का तो उसमें इंडिया हार जाती है। अगले सुपरस्टार है ऋतिक रोशन। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन जब भी फ्लाइट से सफ़र करते हैं दही और चीनी ज़रूर खाते हैं, इसके बिना वो फ्लाइट से सफ़र नहीं करते। वैसे तो दही चीनी खाना हमारे भारतीय रिवाज में एक परंपरा है और इसे गुड लक माना जाता है, लेकिन ऋतिक रोशन इसको काफ़ी हद तक मानते हैं, यानी कि बिना दही चीनी खाए वो फ्लाइट का सफ़र करते ही नहीं। आपके अगले सुपरस्टार है किंग खान, यानी कि शाहरुख खान। आपको बता दें कि शाहरुख खान एक लकी नंबर मानते हैं 555। शाहरुख खान की ज़्यादातर कारें जो है 555 नंबर की ही आपको मिलेगी। अगर मोबाइल नंबर की बात करें तो शाहरुख खान ने अपने मोबाइल का जो आखिरी डिजिट है वो भी 555 ही रख रखा है। अंधविश्वास को मानने वाले में अगली जो लिस्ट है आपके फेवरेट सल्लू भाई यानी कि सलमान खान के। आपको बता दें कि आपने सलमान खान के हाथ में एक ब्रेसलेट देखी होगी। हालांकि लोग इस ब्रेसलेट को फैशन या शौक मानते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इस ब्रेसलेट के अंदर एक पत्थर है जो कि सलमान खान के पिता फिरोज खान ने उनको गिफ्ट किया था। आपको बता दें कि सलमान खान इस पत्थर को अपने लिए गुड लक मानते हैं और वो मानते हैं कि इस पत्थर नुमा जो ब्रेसलेट पहनते हैं इसके वजह से उनकी हर फिल्म जो है हिट होती है। अब हम अगले आपके फेवरेट स्टार के बात करें जो कि अंधविश्वास को मानती है, तो वो एक नायिका है, आप वो है विद्या बालन। आपको बता दें कि विद्या बालन जो है एक ख़ास तरह की काजल का इस्तेमाल करती है जो कि वो पाकिस्तान से मंगवाती है और अपने लिए विद्या बालन इस काजल को लकी मानती है। आपके नेक्स्ट फेवरेट स्टार है खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है तो वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे फिल्म रिलीज होने के समय अगर इंडिया में रहते हैं तो उनकी फिल्म जो है अच्छी खासी कमाई नहीं कर पाती। आपके नेक्स्ट स्टार है बिपाशा बसु। आपको बता दें कि बिपाशा बसु हर शनिवार को अपनी कार में नींबू और मिर्च जरूर लटकाती है। आपके अगले जो स्टार है वह है करीना कपूर। करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर को हुआ था। वे अपने इन तारीख में 3 नंबर के अंकों भाग्यशाली मानती है, इसलिए उनकी कार का जोर 3 आता है तभी वो कार लेती है, और साथ ही उनके मोबाइल नंबर में भी 3 का जोर होना चाहिए। तो ये कुछ आपके कंटेस्टेंट थे जो कि अंधविश्वास में किस तरह से डूबे हैं, ये आपने इस वीडियो में जाना होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।